गुरु काला गुड़ बन गया पर ये चेला चीनी बन के निकल गया। इसी को कहते हैं चाय से केटली गरम। मैं एडवोकेट जमकर तोड़े। अगर गुरुजी को नहीं उठाते तो मैं ऊपर कैसे उठता? वड़ा पाव खाओ तो सब जाम हो जाता है, उसके लिए बत्ती से ही प्रेशर आता है। बकुड़ा, मेरे बारे में सोच रहा था ना, सच बता। सच जानने के लिए आप टॉयलेट में आ गए? सॉरी बकुड़ा, अपने किए कराए पर पानी फेरना भूल गया। मुझे दोनों मेरा भूख लग रही है यार। पितरंगी, ये लो। ये क्या है? सुचित्रा पितरंगी सूप। सुचित्रा पितरंगी, ये मेरी तरह ही टेस्टी है। नमक नहीं डाला? डालना भूल गई। मिर्च भी नहीं है? अरे वो भी भूल गई। सब कुछ भूल गई, अदरक मिर्ची लहसुन तू सब कुछ भूल गई है। तो लिया मैं डाल दूंगी। मेरा पगार डबल नहीं करेगा ना, तो मैं ऐसे ही करेगी। हाय, फिर टपक पड़े। जब जिंदा थे तो घर तोड़ते थे, मरने के बाद घर छोड़ना चाहते हो? कैसी दोगली आत्मा हो। सर किससे बकवास कर रहे हैं? तेरे से नहीं कर रहा हूँ, तू रसोई में जा। तो यहाँ आपके और मेरे अलावा और कौन है? शैतान से बात कर रहा हूँ, यही बैठा, आजा मिलवाऊं तुझे। आत्मा बोल के इंट्रो दो यार, ये क्या शैतान बोल रहे हो? हेलो जानू, किससे बात कर रहे हो? काम वाले ना, अपने काम से काम रख। भिखारी पैसा तो बढ़ाता नहीं है, दिखाता ऐसे जैसे अगला अंबानी यही है। कौन बोल रहा है? मैं जमकर तोड़े। अच्छा खड़िया हो, बाथरूम लीक हो रहा है, आकर ठीक कर दो। फोन मत काटना। मैं घर तोड़े का असिस्टेंट जमकर तोड़े, हम दोनों का साथ खबीस और शैतान जैसा था, याद आया? ओ तोड़म दाड़ी ब्रदर्स, आपका असिस्टेंट है। ओ तेरी, मैं तो रोमिंग पे हूँ, तुम ही बात करो। हाँ बोलो, क्या बात है? एक गुड न्यूज है सर। गुड न्यूज? यहाँ सर का काम ठंडा था, इसलिए केस लड़ने के लिए वो नर्क में चले गए। हाँ मालूम है। आपको कैसे पता साहब? किसने बताया? यहीं पे तो है वो। मैंने नर्क में तो फोन नहीं लगा दिया। हो गया, फोन रखो। ओके, आपके डिवोर्स केस की लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरे साहब जी मेरे सपने में आए थे, बोले कि मैं नर्क में हूँ। मैं तो नहीं गया था, यमदूत ने उनके हाथ पे मार मार के हाथ सुझा दिया है, उनके धोने तक के वांदे हो गए हैं। अगर मैं आपका डिवोर्स कराने में सफल रहा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शांति में इनका रंबा सब मिलेगी। थैंक यू सर। बॉस मरा तो चेला बढ़ा। समझ गया प्रभु, ये सब तुम्हारी चाल है, लेकिन ये आइडिया नहीं चलेगा। मेरा असिस्टेंट निकम्मा है, उससे नहीं होगा ये डिवोर्स। माय डियर कामगार, मैंने आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज देने के लिए बुलाया। आपकी शादी हो रही है क्या सर? तेरी तो, अपनी बीवी को लेके आज से शादी करता हूँ मैं। कुवारा अच्छा नहीं लगता? ए बकुड़ा, तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ। अबे नहीं सुन रही तेरी बकवास, जब देखो बार बार निकल यहाँ से। छोनीलाल क्या प्रॉब्लम है? कान में जुई घुस गई थी, उससे बात कर रहा हूँ। ध्यान दो, देता हूँ। बाप रे, ये तो बहुत खड़ूस है। इस बार के प्रोजेक्ट से कुछ ज्यादा फायदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फायदे से तुम सभी फायदा उठाओ, है ना फायदेमंद बात? अगर मुझे कोऑपरेट करोगे तो मुझे एंट्री मिलेगी, मेरा फायदा होगा। लेकिन उसके लिए सबको साथ देना होगा। तेरे फायदे के लिए अपना नुकसान कर लूं? hey, चुन्नीलाल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या हो रहा है तुम्हें? ब्लूटूथ पे बात कर रहा हूं। उधर तो टूथब्रश भी नहीं है। गिर गया नीचे। ए भाई मेरे पैर मत पकड़, ये मोटा भाई कौन है? तुम्हारा टीम लीडर है। यू मे गो। थैंक यू सर। ओके, ये वकील का केस कैसे सॉल्व करूं? मेरा प्यारा बकुड़ा, सर चकरा रहा है क्या? अबे ठीठ, तू गया नहीं अभी तक? मेरी एक बात मानो, बारों को पकड़ के गले से लगा लो, प्यार की आग फिर से जलेगी और डिवोर्स कैंसिल। उसके साथ वक्त बिताने से अच्छा मैं गन्ने की मशीन में सर डाल दूं, ये मुमकिन नहीं है। तुम दोनों तो बुझे हुए दिए हो, पर हमारी आग के बारे में तो सोचो। अच्छा एक काम कर, हाँ। उसको मना ले, वो मान गए तो मैं मान जाऊंगा। गॉड प्रॉमिस, घोस्ट प्रॉमिस। चुन्नी क्या हुआ? तुम किससे बात कर रहे थे? किसी से तो नहीं। मीटिंग में भी ऐसे ही कर रहे थे और यहाँ पर भी कर रहे हो, मुझसे नाराज हो क्या? मक्खी कभी शहद से नाराज होती है क्या? बात को कैसे बदलना है कोई तुमसे सीखे। वैसे मेरी पप्पी का टाइम हो गया है। ये बकुड़ा, दिव्या के साथ गरबा कब से चालू है? तेरे को क्यों बताऊं, तू जा अपना काम कर। अब बुझेगी बदले की आग, डायन के पीछे भूत को लगा दिया, क्या पॉलिटिक्स खेला है, वोट फॉर मी। हेलो बकुड़ी, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? भूत देख लिया क्या? What happened मैडम? कुछ नहीं। तो फिर गला क्यों फाड़ा? तुम घोष्ट देखा क्या? उड़ने वाला कॉकरोच देख लिया था बस। कॉकरोच देखा या क्रोकोडाइल? तुम जाके अपना काम करो ना, जा। जाता है। बकुड़ी, मेरे को तुमसे पर्सनल काम है। कोई काम वाम नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हॉलीडे दे रहा है। कितना स्वीट है तुम, मैं बॉयफ्रेंड के साथ। यार ये कितना भेजा खा रही है, दिमाग खराब हो गया है? तुम गई तो काम कौन करेगा? तुम्हारे पिताजी क्या करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ सैंडविच लेकर आओ। ओके। ये बकुड़ी रानी, 24 घंटे में से आधा घंटा दे दो, ये गरीब का भला हो जाएगा। देखिए मिस्टर लॉकेज, घर तोड़े मैं आधा का आधा मिनट भी नहीं देने वाली।
मुर्गी का माफिक क्यों चलता है? पुलिस में कंप्लेन करूंगी। उससे अलग होने की वजह तो बताओ। मैं तुम्हें उससे अलग होने की हजार वजह बता सकती हूँ। क्या तुम एक भी ऐसी वजह बता सकती हो जिसके लिए मैं उसके साथ रहूं? बहुत नेक है वो। जब हम ऑफिस आए थे तो तुमने क्या कहा था कि अगर मैं तुम्हारा तलाक न करवा दूं तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। क्या मैंने ऐसा कहा था? और भी बहुत कुछ कहा मम्मी, कि दो दिन में तुम्हें चिड़िया की तरह आजाद कर दूंगा। और अब खुद ऊपर उड़ गए। अभी तुम्हारी हटी हुई है बकुड़ी, जगह पर आने दो, पछी मरशू। मैडम मैं कब से वॉच करता है, तुम अकेले में गॉसिप करता है, कुछ तो झोल झपाटा हो रहा है। मैडम लगता है तुम्हारे ऊपर भूत का शैडो है, उसको रिमूव करने को मांगता है। सही कहा, भूत भगाने वाले तांत्रिक को जानती हो? बस क्या मैडम, अपना अंकल बहुत बड़ा तांत्रिक है, इधर इस डाइन गली में रहता है। मैं बोलेगा ना तो मना नहीं करेगा, बस तुम उसकी वाइफ का एक ड्रेस बना देना। ठीक है, उसको बुला। भूत के बजाने वाला आ गया। भूत भूत भगा लो, भूत 5% की छूट। ये भूत नहीं है, तांत्रिक है, मैंने इसे बुलाया है। भूत के छक्के छुड़ा दे गए। ए, तेरा नाम पारो है। हाँ? इस बात को देखा है, भूत को निकल जाएगा। इतनी किटकिट काई को कर रही है, मेरे पीछे आ। हाँ, आजा। हाँ, हाँ। और मेरे पास के ले दो चाय बोल। ये तो चूहा पकड़ने वाला लगता है, मेरा बाल भी नहीं पकड़ पाएगा। इतले मारी बात मानो, दोनों एक हो जाओ। ये घंटी कौन बजा रहा है? कौन है? माफ करो बाबा। चुन्नी बाबू पबजी ना मुखर्जी बंगाली। ओ आइए आइए। नमक स्वाद अनुसार, रंग के लिए हल्दी, टीके के लिए लाल मिर्च और उसके बाद खाने वाला सोडा। हांडी तैयार। लगता है बहुत बड़ा भूत है, इसलिए दो लोगों को बुलाया है। ये बंगाली कौन है? पागल साइंटिस्ट है, ये भूतों को छोटी उंगली बनना चाहता है। अरे तो ऐसा बोलो ना, भूतों का कोरियोग्राफर है। पकड़ लिया, छोड़ दे। हाँ छोड़, चल भाग तेरे में। ये भूत निकल, यहाँ से भाग जा वरना तेरी आंखों में नमक मिर्ची डाल के अंधा कर दूंगा। उड़ी बाबा, ये क्या चल रहा है? ये भूत को डिस्टर्ब करता है, हम जाते हैं। नहीं नहीं, वो भूत का कॉलर पकड़ेगा, हम गिरवान पकड़ेंगे। मेहनत वो करेगा, मलाई हम लोग खाएंगे। चलो साफ गंडगोल कर रहा, लगता है मैंने इसे ताड़ी माड़ी केंद्र में देखा है। काली माँ, तेरा वाला भूत क्या मच्छर भी नहीं पकड़ पाएगा? दरअसल सामने है। अरे पाउडर खत्म हो रहा है। जय कोली कोलकाते वाली, तेरा बोचर न जाए खोली। अबे बातों क्या है? ए मंदिर के नाम क्यों कर रहे हैं? ओसम कर देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। भूतनी घर की रानी है, मंदिर वही बनानी है, धर्म के नाम पे लड़ानी है, कुछ नहीं करने की ठानी है, वापिस से सरकार बनानी है और हम सबकी बचानी है। भूखा हो गया है। अफगानिस्तान, कोजाकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। आजा। Shut up you boka, देखो इसमें हाथ बोका में। हमेशा कलश में ही आता है, समझा ना? तुम पागल है, इसमें है। जिसने भी पकड़ा है पकड़ के रखो, छोड़ना मत। एक काम करो, भूत हमने पकड़ा है, पैसा हमको दीजिए। अरे ये झूठ बोल रहा है, इसके बोतल में हुक्के का धुआं है। भूत मैंने पकड़ा है। तेरे वाला काम का नहीं, मेरे वाले ने पकड़ा है। अरे लेकर जी शर्म, मेरे तांत्रिक ने पकड़ा है। नहीं नहीं, इसने पकड़ा है। मैं बोल रही हूं ना, बोतल में, भूत बोतल में नहीं कलश में आता है। अरे क्या कर रहे हो बार बार? बंगाली बंगाली नहीं, ना बोतल में ना लोटे में, प्रेशर आया था तो गया था मैं टॉयलेट में। बकुड़ी बकुड़ा, ये मेरे को पकड़ क्यों नहीं पाए? बाटली का मुंह छोटा था इसलिए तुम फिट नहीं हुए। इनका ब्लूटूथ तो दिख नहीं रहा, फिर ये किससे बात कर रहे हैं? चुन्नी बाबू सुनो, रुको, क्या डिसाइड हुआ? तुमने पकड़ा है इसने? देखो जो हमने पकड़ा है, जब देखो पकोड़ा पकोड़ा करता रहता है, जरूर रस्ते में पकोड़ा बेचता होगा। चले बंद कर, लोटे के फीचर्स बता। ये एक प्राचीन भूतनी है, बहुत ही सुंदर, हड़प्पा के टाइम की, इनकी परदादी है, इसलिए इसकी नजर से बचा के रखना। दादा तुम्हारा इस बोतल का भूत आजादी के पहले का है जो अब जाके कैद हुआ। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। एक मिनट, आजादी के पहले का भूत? हाँ, हाँ, पैसा तो वरना छोड़ दूंगा। देखा तुम्हें क्या क्या बना रहा है? पीछे क्यों देख रहे हो? भूत यहाँ है, वहाँ नहीं है। कैसे जीवन बिता? सर हम एक्टर बनने आए थे, एक्टिंग का काम नहीं मिला इसलिए तांत्रिक की एक्टिंग करने लगे। मार क्यों रहे हैं? कोई नहीं सर, सब मार रहे हैं, आप भी
मार लो। रुकुन रुकुन, आमी ढोगी हूँ। अरे हिंदी तो सही से बोल ले, माफी मांग, माफी मांग। ओ शॉपजी, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, अब कभी ऐसा गलती नहीं करेगा। अबे तू नेपाल से है क्या? मेरी गोरखपुर से है। तुम्हारी सहेली होगी। मैं नहीं उठ रही, तुम जाओ। कैसा है बिडू, बोले तो मजे में ना? क्या काम है? एसी चालू करना, अंदर चल के बात करते। आ जा। चाय मत बनाना, ठंडा चलेगा। ओ माय गॉड, आज छुट्टी लेके मुझे ही परेशान कर रहे हो। नमस्ते मैडम, थोड़ी सी दुबली हो गई हो लेकिन मस्त लग रही हो। ए छिंद्रे, कोट काला है, कम से कम नियत तो साफ रख। मेरी नियत चिकनी है। मतलब आज शुक्रवार है और शुभ दिन है, मेरे गुरुजी का बर्थडे है। केक का चंदा करने आया है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज उनका बर्थडे है और मेरा फर्स्ट वर्किंग डे है। आज मैं बहुत खुश हूँ, अगर आज डिवोर्स हो गया तो आपका कभी कोई मिलन करा ही नहीं पाएगा। 12:13 पर आपके डिवोर्स का बहुत अच्छा मुहूर्त है सर। अरे ये चिंदी चोर, तलाक करवा के मेरी वाट लगाएगा? अरे तलाक भी कोई मुहूर्त देखकर करता है क्या? पता है मेरे गुरुजी केस जीतने के लिए टोटके करते थे। मेरा नाम मत ले नहीं तो मारूंगा। तांत्रिक से इन पेपर्स पर मैं मंत्र मरवा के लाया हूं। आप बस इस पर साइन कर दीजिए। ये सब क्या लगा रखा है, मेरे जन्मदिन पर मेरी वाट लगा रहा है? अरे नालायक, 12 एग्जाम देने के बाद तो तू पास हुआ है, अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकता है, आता जाता कुछ नहीं है और अपने आप को लॉयर कहता है। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, इससे डिवोर्स नहीं। यहाँ की बजाय आप वहाँ देखकर बात कर रहे हो, कहानी तो नहीं हो गए? दूर की सोच रहा था, पेशे से तू वकील है पर जबान से टपोरी लगता है। तेरे से अच्छा केस तो हजाम लड़ेगा, तू जा, हजामत बना क्या। लव यू बकुड़ा। तेरी जाक का पैदा मारू, अपन की वकालत पे शक है तेरे को? अबे जज लोग को ट्यूशन देता हूँ मैं, अपन फटफटिया पे बैठ के रॉयल एनफील्ड का पूरा मजा लेता है। गरीबी में पला हूँ पर दिल का राजा हूँ, दिल का राजा हूँ। जुगनू की रोशनी से पढ़ाई की है अपन ने और फटे यूनिफॉर्म में स्कूल जाता था। म्युनिसिपैलिटी के मेरे प्रोफेसर, प्रोफेसरिया और टीचर, जब कोई सवाल उनसे हल नहीं होता तो मैं हल करता था। आज भी मेरे बर्थडे पर गिफ्ट भेजते हैं, राइट पैर का जूता, लेफ्ट पैर का मोजा और यहां तक के चड्डी बनियान भी मुझे उन्होंने ही गिफ्ट किए हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं लेकिन किसी को बोलना मत। हाँ बोल। मेरे गुरु ने 99 केसेस जीते हैं लेकिन उनमें से 98 केसेस का आइडिया मेरा था। मैं तो उनको जज बना डालता पर वो जल्दी टपक गए, पता नहीं वो कहां होंगे। अरे यहीं तो बैठे हैं। अगर वो मतलब उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। ये तेरा मुंह है कि बीएमसी की गटर है, ढक्कन खुला और बदबू फैली। दिल भर गया मेरा तो तेरी बातें सुनकर। इसको केस मत देना बकुड़ा।